गिफ्ट भाई दिखा रही है, एक्सपोज गिफ्ट होगा, दिखाऊं बच्चों आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूट्यूब फैमिली कैसे आप, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुशकरम होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे होंगे और अपने जगह मसरूफ होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो है व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और जो भी एक्टिविटी होगी तो यूट्यूब फैमिली में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो प्लीज़ यूट्यूब फैमिली मेरी वीडियो को जो है स्किप करके ना देखा करें, फुल वॉच करें, ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। घर का माशाल्लाह पूरा काम हो गया, ये देखे माशाल्लाह सफाई पूरी हो गई है। इधर देखे मुजम्मिल अपना काम कर रहे, मुजम्मिल करंट का ख्याल करना, तारा है इधर, पता है। इधर देखे ना, कितना देर काम करोगे? अभी अभी तो आया हूं। अभी अभी आया हो, ये ख्याल करना तारा का। तो आपके अब पानी देने जा रही हूँ, ख्याल करना तारा का है। वो स्प्रे कर रहा है खेतों में, ठीक है? ठीक है, मैं जा रही हूँ, ख्याल करना तारा का, करंट है सारा ऊपर। नन्ना मुन्ना नहीं हो, बड़ा हो गयो, बड़े हो गयो, करंट के ऊपर कोई नहीं बड़ा हो सकता। ये देखे मुजम्मिल अपना काम करना शुरू हो गया, मैं अपना घर का किया है। ये देखे इधर देखे सुहेल ट्यूशन गया और काशिफ खेतों में स्प्रे करने गया, मैं उनके लिए पानी लेके जा रही हूँ क्योंकि बहुत प्यास लगी हुई थी। आज मौसम तो थोड़ा ठंडा है, इतना ठंडा नहीं है, हवा चली हुई है, इतना ठंडा नहीं है। जा रही हूँ उनको पानी देने, पानी दे के घास उठाऊंगी क्योंकि मैं अपना घास काट के उधर रख गई हूँ, पानी पीनी हूँ उनके लिए लेनी हूँ पानी। आज मेरा सुबह सुबह काम ख़त्म हो गया क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई। देखे मैं अपना जानवर भी आज बहर बांधे हैं क्योंकि अंदर पीछे से बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, छोटे घर में बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। देखे मेरे जानवर इधर बहर आ गए, मैं इनको भी बहर बांध लिया है। ये देखें सफ़ी रंगीले का सब्ज़ी आ गई, इधर देखें खजूरें का बाग है, ये उनका माशाल्लाह बाग पूरा तैयार हो गया खजूरों का। ये देखें कितना माशाल्लाह हो गया, इन खजूरा पूरी पक गई है खजूर। इधर देखे उनकी सब्जी है पूरी, ये है तुरी, भिंडी तुरी पूरी सब्जी है। देखे ना, ये है हरी मिर्च। इधर देखें ऐसा सब्जी होती है पहले, फिर ये देखें ये हरी हो गई है मिर्च। इनके घर की मिर्च होती है बहुत अच्छी होती है, हरी मिर्च घर की। ये देखें इतना बड़ी गवार, ये देखें ना इतना बड़ी गवार है, गवार लगी हुई है, नहीं लगी अभी तक। मैं पहुंची अपने खेत में, ये देखें वो आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है रिवर्स, देखें ना, नहीं नज़र आ रहा, वो पीछे से आ रहा है, टंकी ये आ गया। प्यास लगी होगी, सुबह का आया है स्प्रे करने, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता है। अभी कितनी रहती है? दो टैंकियाँ रहते हैं। आपको प्यास लगी है? बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, गर्मी है आज, शुक्र है गर्मी थोड़ी कम है। ये लो पानी आपके लिए, फिर बोलता है मेरे पीछे पानी भी कोई नहीं लेके आता, आज मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए पानी लेके आई हूँ। ये देखो ये हमारी खेत, ये देखे कंधे पे कैसे उठा के जा रहा है, इतना बड़ी टैंकी कंधे पे उठा के जा रहे, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम है खेत का, वो भी कपास, अक्सर कपास के खेत का बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। गंदम तो बस बीज उगा के फिर पानी लगाते हैं, स्प्रे नहीं करते, इधर तो स्प्रे बहुत ज़्यादा करते हैं। नीचे देखे पानी है, ये देखे कैसे बना रहे हैं, कितना मुश्किल काम है ये देखे, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, कंधे पे टैंकी उठाकर फिर पीछे से भी स्प्रे करते हैं, आगे से भी, देखे ना।
गया, वो तो दूर चला गया। नीचे आपको दिखाती हूँ बस पानी, ये पानी में स्प्रे कर रहा है। बहुत ज़्यादा पानी में टूरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। ये देखें अभी सुबह का आया है स्प्रे करने, पता नहीं क्या टाइम होगा। ऊपर से गर्मी भी पड़ रही है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बस जल्दी आ जाएगा स्प्रे करके, फिर जाती हूँ अपना घास। मैंने ये वाला घास काटा है, ये वाला घास काटा है, ये भी आपको दिखाती हूँ। मैं भी इसी पानी में घास काटा है, ये नहीं इसी पानी में घास काटा है। वो देखें ना, ये हमारी ग्वार तो देखें ना, बस हमारी सब्जी भी है खेतों में। ये देखें, ये है हमारी ग्वार, अभी तक इनके ऊपर लगी नहीं है ग्वार। ये है मेरा घास काटा हुआ, इधर देखिए गठली पूरी बनी हुई है, पूरी मैंने अकेली काटी है घास की। मैं भी सारा दिन इनके साथ काम करती हूँ, बस ये भी नहीं मैं घर बैठी रहूँ तो ये काम करेगा, मैं भी इनके साथ काम करती हूँ। वो वापस आ जाएगा, वापस आ रहा है, देखे ना एक फेरा पूरा करके आ रहा है। थोड़ी सी भी दिमाग पे चढ़ जाए तो बंदा मर जाता है, इसलिए ये देखें ऊपर फुहारा करके स्प्रे करता है। बहुत जहरीली होती है, बहुत ये मुश्किल काम है, इतना मुश्किल है आपको क्या बताऊँ, बहुत जहरीली होती है। अभी मैं वापस आ गई है देखने, अपने घर आ गई। वो मुझे मिलने इतना कमरा तोड़ लिया इतना देर में, ये देखें कितना कमरा तोड़ रहा है। अभी तक हमारी टीवी इधर पड़ी हुई थी, ये देखें ये सब काम मुझे मिल शायद करेगा। ये देखें बहुत ज़्यादा ही कर लिया है मुझे मिलने। इधर दिखाती हूँ मैं अपना घास, इधर फेंका है दीवार से ऊपर फेंका है। ये देखें बस मेरे घर के इधर भी सफाई हो गई है, इधर की मैंने सफाई की है। ये देखें कितना साफ सुथरा कर लिया है घर अपना, मैं आज पूरा काम अपना दिखा रही हूँ। कुछ अरसे के बाद, कितनी अरसे के बाद मैं अपना पूरा काम दिखाती हूँ। रोज़ रोज़ नहीं दिखा सकती, क्योंकि रोज़ रोज़ एक काम नहीं दिखा सकती। ये देखें ये मैं इधर से अपना घास फेंका है, इस दीवार के पीछे से खड़ के इधर फेंका है। ये देखें ये आ गया मेरा घास, इनको उठा के इधर रखती हूँ, इधर छाँ के ऊपर रखती हूँ। ये शाम को घास डोने डालूँगी। गए हमारे सब बाहर चली गई, देखे ना कितना घर हमारा ये भी साफ। देखे ना मुजम्मिल अपना काम करके थक हार के आ बैठा है पंखे के नीचे। मुजम्मिल मुझे तो पता नहीं चला, आप भी एक जूता और एक और पहन लिया, मुझे तो पता नहीं। मेरा पहन लिया मैंने, आपका हाँ, पहन। आपने मुझे बताया है जो मेरा पहन के चली गई थी, मुझे तो नहीं पता चला। आपको पता है? नहीं, जान बूझ के पहना है आप? नहीं मैंने पहना, मुझे नहीं पता चला मैं आ गया। अच्छा, बिल्कुल नए साइज का है। आपका साइज है ये? मेरे आपका जूता मेरे साइज का है, देखे ना मुझे भी देख। मेरा और आपके पैर सेम है। हाँ, बड़ा हो गए हैं आप जी? बड़ा हो गए हैं कि नन्ना मुन्ना है? नन्ना मुन्ना है। नन्ना मुन्ना है जी। इधर देखे ना, देखे ना आपकी दाढ़ी मोछ तो आ गई, अभी नन्हे मुन्ना है? नहीं नहीं अभी नहीं आई। नहीं आई? नहीं, मुकम्मल कमरा तोड़ लिया है। हाँ जी। भूल गई थी, तोड़ लिया है मुकम्मल? कहाँ टूटा, अभी शुरू हुआ है। शुरू हुआ है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते हैं पार्टी में क्या क्या होगा। आपको पता होगा जो भी होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा। वाह, समझता अच्छे डायलॉग मारता है जी। अच्छे डायलॉग मारता हो? हम डायलॉग बाद एक बार करते हैं, बार बार नहीं करते। एक बार करते हो जी? वाह। घर तो आज भाई काफ़ी सारे बंदे आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। एक मिस्टर हमजा जो लंदन से आए हैं, ये मिस्टर मुजम्मिल ये इंग्लैंड से आए हुए हैं, कनाडा से आए हैं, और ये मिस शानी, और ये आई हैं यूके से, और ये मिस आपका नाम क्या है? मिस नैना, ये आई हैं फ्रांस से आई हैं भाई। और भाई यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, छोटी तो नहीं है बहुत बड़ी है,
और ये दो भी आ गई, और ये अभी अभी लैंड इनकी हुई है, और ये जापान से आई। आप जापान से आई हुई हो? हाँ, जापान से आई। बाकी और भाई आप भी इनवाइट किया गया इनको देखने के लिए कि आज अरिश्मा ने शानी के लिए गिफ्ट भेजा है, और वो बहुत ही अनमोल है, और मुजम्मिल खास और बहुत खुश है उस गिफ्ट पे, पता नहीं क्या बात है। और गिफ्ट अनबॉक्सिंग करें भाई, छुपा रही है लड़की, छुपा रही है। और ये देखें गिफ्ट भाई, दिखा रही है, एक्सपोज गिफ्ट होगा। दिखाऊं बच्चों आपको? जी नहीं दिखाऊं? और ये देखें भाई गिफ्ट जो एक्सपोज हो रहा है, और ये निशानी दिखा रही है। ये है मेरा गिफ्ट, ये है बच्चों मेरा गिफ्ट। ये क्या है इसमें? क्या है आप गेस कर सकती हो क्या है? ये बताओ। फ्रांस से अभी जो आप आई हो, क्या है ये? हाँ अरे ये सही बात है। आपको कैसे पता है? मुझे पता है, डब्बे से लग रहा है। डब्बा से कैसे? नहीं नहीं ये नहीं नहीं, चलो देखते हो, मिठाई है इसके अंदर, मिठाई का डब्बा है। मिठाई है, चलो भाई अनबॉक्सिंग करें भाई, जल्दी करें, गर्मी बहुत है भाई। सब बच्चे देखो, नैना आपको पता है कहाँ से है? यूके से आई है। कहाँ से आई है? फ्रांस से। फ्रांस से? फ्रांस से। और भाई अनबॉक्सिंग करें भाई, अनबॉक्सिंग करें, जल्दी करें, गर्मी बहुत है। अब इसका दीदार भी करा दें, ऐसे सुबह से तरसा रही हैं, दिखाएं सही कैसा है। और ये भी अरिश्मा ने दिया है भाई अपनी मम्मा को, उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल कभी कहाँ होता है, कभी कहाँ ऐसे। मेरी बात नहीं। और देखे पीछे 75 का नोट भी है, नोट भी भेजा है। इसका बैलेंस क्या बनाया आपने? 75 रुपए का बैलेंस। माशाल्लाह, कैसा है गिफ्ट? बहुत अच्छा। अच्छा पार्टी? हाँ। अच्छा है? हाँ। नैना प्यारा है? हमजा आप बताओ। बहुत प्यारा है। वाह भाई माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह। आप तो भाई आप हमारी बात नहीं पूछोगी। हाँ। आप तो सारे दिन जैसे चाहे बात करोगी अपनी बेटी के साथ, जब दिल करेगा। बेटी ने भेजा है अभी, बस ये देखे मैंने, मुझे गिफ्ट किया है, उन्होंने कहा मेरी अम्मी के बात करेगी मेरे साथ। हाँ भाई माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशन। मैंने आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा। अच्छा है ना? जी मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा ना, मैं भी चलाऊंगा, आप भी चलाना। हाँ आप भी चलाओगे? जी हम सारे हो। कैसे कितना? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है कि बहुत ज्यादा ही अच्छा है? हमारे लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए पता नहीं। आज मैं आपको चावलों की रेसिपी नहीं बता सकी, भूल गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वीडियो बनाना भूल गई थी। मैंने छोले डाल दिए, पानी भी डाल दिया, देखें इधर मैं डालूँगी अभी बस चावल। ये मेरे चावल बन रहे हैं आज, छोले चावल आज मैं बना रही हूँ। चावल भी अच्छे वाले हैं, छोले भी हैं, चावल भी अच्छे वाले हैं। ये देखें आग जल रही है। आज मैंने लकड़ी कहाँ से लेके तोड़ के आज मैं वही वाला लकड़ी जला रही हूँ, देखे ना कितना अच्छा जल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, डिनर लग चुका है आज भाई। डिनर में है छोले वाले चावल, आज तो भाई शानी ने बनाए हैं भाई, अच्छे वाला चावल बनाए हैं, माशाल्लाह अच्छे वाले चावल बनाए। और साथ में भाई अचार, ये हमने घर का अचार बनाया है, जो हमने अचार बनाया था वही है माशाल्लाह, और बहुत ही टेस्टी है, और बहुत ही टेस्टी है। तो करते हैं डिनर चावलों के साथ, छोले चावल वैसे भी अच्छे होते हैं, अब तो अचार और चावल तो मज़ा आएगा भी, आज तो बहुत ही मज़ा आएगा। मेरा तो आज माशाल्लाह शानी को जो गिफ्ट मिला है ना, शानी आज बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई अभी जो मैं अपनी बेटी से जब दिल करेगा फेस टू फेस बात करूँगी, वीडियो कॉल करूँगी, और क्योंकि हम कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, और ब्लॉग भी बना कर देती है, और ब्लॉग अपलोड भी करना होता है, तो इस वजह से थोड़ी सी उसको टेंशन होती थी। अभी तो वो बिल्कुल ही खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है भाई, उसको इतना अच्छा गिफ्ट मिला है। और जब बच्चे माँ बाप के होते हैं तो माँ बाप का दिल तो वही खुशी से बार बार हो जाता है, तो माशाल्लाह आपकी गिफ्ट बहुत ही प्यारा है। तो थैंक यू सो मच रिश्ता, आपने अपनी अम्मी के लिए इतना प्यारा सा गिफ्ट भेजा है। तो और यहीं पर ब्लॉग में ऐड करता हूँ, मुझे आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया, अगर पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और जो है शेयर करें। मिलते हैं करेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।